दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, सुमित्रा उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ, वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगाते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। सोहन, माँ क्या बनाया है? सुमित्रा, पहले जाकर नहा फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसके दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मगा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, सुमित्रा अब कहाँ चल दिया? सोहन, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है, तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर, उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोहन पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। सोहन, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था, तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीर दास बहुत मेहनत से खेत जो रहे थे। सुमित्रा ने कहा, सुनो जी, पहले खाना खा लेते हैं। कबीर दास, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, सोहन के हाथ से खाना भेज देती। सुमित्रा ने कहा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है, भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीर दास ने कहा, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, कबीर दास, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना, शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। कबीर दास, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है, अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा मोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है।
पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसके पास के खेत से माधो काका आए। माधो काका, सोहन मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सोहन, काका मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी बताया ही नहीं। माधो काका, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया है जो तुझे पता होगा। माधो काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोहन के खेत की ओर कर दिया। माधो काका, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए। माधो काका, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन, काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? माधो काका, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीर दास घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा तो सुमित्रा ने सारी बातें बता दी। कबीर दास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा मोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। कबीर दास, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी भी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वही बात करेंगे। अगले दिन सुबह सोहन के पिता उसे खेत में ले जाते हैं और उसे खेत का सारा काम सिखाने लग जाते हैं और वह कुछ महीनों तक खेत का काम सीखता है। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी और सोहन अब कर्मठ मेहनती इंसान बन चुका है।